हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि EPFO SSA 2023 एग्जामिशन इस समय चल रहा है, और आज मेरा एग्जामिशन था 22 अगस्त 2023 का। फर्स्ट सेट मेरा एग्जामिशन था और पेपर देके अभी अभी मैं आ ही रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आप सभी को पेपर का रिव्यू दे दूँ, कैसा पेपर आ रहा है, किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा सेक्शन आसान है, कौन सा सेक्शन टफ है, सारा कुछ मैं आप सबको डिटेल में बताने चल रहा हूँ। और दोस्तों, ये भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, किन किन किस सेक्शन में, और मेरा कितना अटेम्प्ट था, मैंने कितना अटेम्प्ट किया, किस सेक्शन में कितना किया है, और सेफ स्कोर क्या हो सकता है इस पेपर में, सारा कुछ मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने अभी बताया कि EPFO SSA एग्जामिशन इस समय चल रहा है, और कल इसका लास्ट डे है, यानी कि 23 अगस्त इसका लास्ट डे है, और आज मेरा एग्जामिशन था 22 अगस्त 2023 फर्स्ट शिफ्ट। तो देखिए, पेपर जो है इजी टू मॉडरेट आ रहा है। अब पेपर थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। बात करते हैं एक एक सेक्शन की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहला सेक्शन था जो मेरा, वो क्या है कि रीजनिंग का सेक्शन था, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन था। तो उसमें जो है कि एक क्वेश्चन वाटर इमेज का आया था, ठीक है, और वाटर इमेज में भी वो था जिसमें घड़ी का क्वेश्चन था, कि मतलब कि कोई घड़ी है, उसमें कुछ टाइम दिया था कि 2:45 बज रहे हैं, हाँ 2:45 हो रहा था, और बताना था कि इसमें वाटर इमेज में क्या टाइम शो करेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसको कैसे हैंडल करते हैं, कि 11:60 में से जो टाइम दिया था उसको घटा देते तो आपको आंसर आ जाते, ठीक है। उसके बाद जो है डायरेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन था कि एक नदी है जो पहले पश्चिम की दिशा में बह रही है, फिर उसके बाद वो दाएं की साइड बाएं की साइड में वो अर्धवृत्ताकार मूर्ति है, फिर उसके बाद वहां से फिर वो समकोण भाग में वो दाएं की तरफ मूर्ति है, तो बताइए फाइनली वो किस दिशा में बह रही। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर था उत्तर दिशा में आया था। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब मुझे लगा कि थोड़ा सा टफ है, हालांकि रीजनिंग में मेरे जो अटेम्प्ट थे वो 30 आउट ऑफ 30 थे। एक क्वेश्चन में बस दो ऑप्शन में बस डाउटफुल था, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे बन गए थे, ठीक है। फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन नहीं आए थे, एक क्वेश्चन सिलॉग का आया था जिसमें 3 स्टेटमेंट थे और 4 कंक्लूजन थे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग का आया था, कि सबसे पहले दिया था कि किसी कक्षा में कि कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, जैसे कि लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या दो, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का आधा है, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों का दोगुना है, टोटल संख्या 90 है। और उसमें बताया था कि फिर उसके बाद बताया था कि रहमान इतने ऊपर से इतने रैंक पे है, उसके बाद बताना था कि इतने लड़कियां उससे आगे हैं, तो बताना था कि तो उसके पीछे कितने लड़के हैं। इसका आंसर आया था आपका 22 आंसर आया था, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपका थोड़ा सा जैसे एनालॉगी टाइप का होता है, ऑड एंड आउट का एक क्वेश्चन आया था, और ऑड एंड आउट में क्वेश्चन क्या था कि जैसे कि 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में कि जैसे तक कब होता है, कब यानी कि बछड़ा और फिर काफ में बछड़ा भी होता है, तो इनका स्पेलिंग दिया था लेकिन वो इधर उधर करके दिया था। उसमें बताना ये था कि पहले तो आपको अरेंज करना था सिस्टमेटिकली, उसके बाद बताना था कि इनमें से कौन सा ऑड है, मतलब कि 3 से कुछ मीनिंग निकल रहा था, 1 से नहीं निकल रहा था, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन का मैंने बता दिया, 3 क्वेश्चन थे, हाँ 3 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के। उसके बाद घड़ी के क्वेश्चन थे मैंने बता दिया, एंगल फाइंड करने का एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था वाटर इमेज का, एक क्वेश्चन आया था आपका एग्जैक्ट मिरर इमेज का क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन था उसमें कि दिया था कि एक कैलेंडर है जिसे था कि 2009 का कैलेंडर किस साल रिपीट होगा, यानी कि रिपीटेशन आप कैलेंडर पे क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद आपका आया था कि उसमें जैसे दिया था कि सीरीज के क्वेश्चन थे, सीरीज क्वेश्चन आया था, मतलब कि 1/2/3 ऐसे कुछ था, फिर उसके बाद मतलब उस सीरीज का क्वेश्चन था, फ्रैक्शन वाले सीरीज थे वो, ठीक है, आसान था। और फिर इसके बाद आपका ये हो गया रीजनिंग के लगभग लगभग, और ठीक है सिलॉग हो गया। फिर उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट में एक में था कि 10 लोग को बैठाना था, और एक में था कि 4 लोग को बैठाना था, और एक था कि पजल था कि मतलब कुछ लोग थे 5 या 6 लोग थे वो मतलब कहीं मतलब किसी मतलब सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं और किसी न किसी सिटी में रहते हैं, ठीक है। उसमें एक का पूछा था तो एक आंसर हैदराबाद आया था,
ठीक है। और एक जगह क्वेश्चन था कि ए बी सी डी को बैठाना है, सी को बी सी डी आसपास नहीं बैठ सकते हैं, और बी और ए का बताया था कि वो तीसरे नंबर पर नहीं बैठ सकते हैं, तो पूछा था कि सी किस कितने कितने जगहों पर बैठ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया। फिर इसके बाद मतलब इस तरह के क्वेश्चन थे, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे रीजनिंग में, इसलिए बहुत मतलब हड़बड़ाहट की मुझे तो नहीं लगता कि कोई आ सकता है इसमें। ठीक है, तो रीजनिंग में मेरे आउट ऑफ अटेम्प्ट थे वो 30 आउट ऑफ 30 हैं। फिर उसके बाद जो है सेक्शन आया था जीएस का। ठीक है, अब देखिए, हाँ रीजनिंग में क्वेश्चन और भी आया था, जैसे कि दिया था भूकंप सिस्मोग्राफ था, तो हेनरी इस तरह के क्वेश्चन था, भूकंप सिस्मोग्राफ था, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था, मतलब कि उसी से कंक्लूड करना था। फिर एक जगह था कि कोई जैसे कि नोबल मतलब रॉन्टजेन ने क्या खोजा था उसका था, तो दिया था हेनरी बेकरल का, तो उसमें बताना था कि कौन सा इसमें था। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में। फिर इसके बाद बात करते हैं मैथ जीएस में, तो जीएस में नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन आए थे, और ये जो सत्याग्रह वगैरह पे, मतलब फिर सन वन से क्वेश्चन आया था कि सन से जैसे गांधी चंपारण कब हुआ था, तो उसके मैचिंग के इस तरह क्वेश्चन थे इसमें। और करंट अफेयर जो आपका मार्च का आया था 2023 का, दो तीन क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। और फिर इसके बाद जैसे कि अभी दिया था कि मार्च दो 31 मार्च 2023 को कौन सा मतलब सोलर प्लांट तो बैठा था, तो उसकी कैपेसिटी कितनी थी ये पूछा था। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग में जीएस में मेरे जो अटेम्प्ट थे वो 24 थे। ठीक है, देखिए 20 तो मैं करेक्ट हूँ, अब चार क्वेश्चन पे थोड़ा सा जैसे कि दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया था, बचे दो ऑप्शन उसमें जो है मैंने गेस किया है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं मैथ के सेक्शन की। मैथ का सेक्शन ठीक ठाक था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। टाइम एंड वर्क के दो से तीन क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट का यानी कि साझेदारी का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन डीआई का था, एक से दो क्वेश्चन शायद डीआई के थे। फिर इसके बाद आपका आपका था उसमें ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे, जैसे कि दिया था कि दो वृत्त हैं उनके, दिया था कि इनकी परिधि इतनी है, तो वहां से आप पूछा था कि इनके जो क्षेत्रफल का अंतर कितना है, इस तरह क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद सीआई का एक क्वेश्चन था, फिर उसके बाद स्पीड टाइम डिस्प्ले मतलब बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था कि कोई नदी है, कोई नाव है नदी में चल रही है, प्रतिकूल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, मतलब कि दिया था कि 48 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में। ठीक है, उसी तरह वही दूरी वो 3 घंटे में चलता है अनुकूल में, तो इस तरह बताना था, वहां पे ये क्वेश्चन था। फिर इसके बाद आपके टाइम एंड वर्क हो गया, फिर उसके क्वेश्चन थे ट्रेन के क्वेश्चन थे कि मतलब कि एक ट्रेन है अपने अपनी कुछ लंबाई थी उसकी 240 मीटर। ठीक है, उसी के बराबर ही एक प्लेटफॉर्म था, उसको क्रॉस करना था, तो इसको कुछ ऐसा था क्वेश्चन, तो उसमें बताया था उसका स्पीड कि मतलब उसकी स्पीड कितनी थी। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि ये हो गए, और रेशियो के क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद रेशियो के हिसाब से फिर रेशियो के दो से तीन क्वेश्चन थे, तो कुल मिलाकर मैथ का सेक्शन बहुत मतलब टिपिकल नहीं था, एक आध क्वेश्चन लग सकते हैं लेकिन बहुत टिपिकल नहीं था। मैथ मेरे जो अटेम्प्ट थे वो 25 थे, तो मतलब रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट 30 आउट ऑफ 30, और जीएस में मेरा अटेम्प्ट 24, मैथ में मेरा अटेम्प्ट थे 25। अब बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। इंग्लिश में सबसे पहला ही जो खुल के आया था वो आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन वो काफी लंबा था। ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोग समझ पाए कुछ लोग नहीं समझ पाए हो, उसमें क्या था कि पैराग्राफ के हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है कि कुछ, और उसके बाद अब जो आरसी था यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था उसमें क्या था कि वो दिया था मलेशिया के ऊपर था क्वेश्चन, मलेशिया टूरिज्म के हिसाब से, तो उसमें 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक से क्वेश्चन था जो उसके ओवरऑल पढ़ने पे बता था, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे रूट के आंसर देने थे। फिर इसके बाद क्लोजेस्ट था 5 क्वेश्चन थे, 6 से 7 क्वेश्चन आपको आपको देखने को मिले, 6 से 7 क्वेश्चन वॉयस के देखने हैं, वॉयस और नरेशन के मिलने थे, 1 से 2 क्वेश्चन मिले थे सिनोनिमेंट, नहीं 4 से 5 क्वेश्चन के आसपास सिनोनिमेंट आने था, वन वर्ड के 2 से 3 क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद जो पैराजंबल का 1 या 2 क्वेश्चन था पैराजंबल का। ठीक है, फिर इसके बाद मिसिंग स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन था, जैसे एक स्पेलिंग था कि परमिशन का स्पेलिंग पूछा था, एक क्वेश्चन था कि उसमें पूछा था कि इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग पूछा था, और फिर इसके बाद जैसे कि एक वन वर्ड था उसमें दिया था कि जैसे कि
जो ओरिजिन वो रहते हैं, मतलब नेटिव जिसको बोलते हैं एबोरिजिन, उस तरह उसका क्वेश्चन था। फिर उसके बाद फ्रेजल वर्ब के 2 से 3 क्वेश्चन थे, फिलर के क्वेश्चन आए थे, एरर के 2 से 3 क्वेश्चन थे, मतलब कुल मिला के इस तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है। और क्लोज टेस्ट बहुत टिपिकल नहीं था, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक था, अगर पढ़ लेते हो आप तो फिर हो जाता, थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आप अगर टाइम भी भरपूर था कि आप उसको पढ़ सकते थे आराम से, ठीक है। तो रीजनिंग इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट थे 48 थे, ठीक है, 48 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट थे। और बात करते हैं सबसे लास्ट सेक्शन कंप्यूटर का। कंप्यूटर में आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर आपने देखा होगा कि नॉर्मल क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछा था कि शॉर्टकट की वगैरह से, इसमें वन सॉफ्टवेयर से पूछ रहा था, फिर उसके बाद मतलब जो भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन उसके मतलब इस तरह थे कि एक क्वेश्चन दिया था, मतलब स्टेट 4-5 स्टेटमेंट दिए थे, उसमें बताना था कि कौन सा है कौन सा नहीं, 10 के 10 क्वेश्चन थे ऐसे। एक क्वेश्चन था उसमें जो मेमोरी पे क्वेश्चन आया था कि कौन सा मेमोरी, मतलब जैसे दिया था कि पी रोम, रैम, रोम, पी रोम, यस रोम, डी रोम, तो इस तरह के रोम, उनकी कार के बारे में बताया था कि कौन सा क्या क्या होता है। फिर उसके बाद जो बुलियन एक्सप्रेशन पे एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर में ही, फिर उसके बाद हाँ ये हो गया, सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन थे, मतलब कुल मिला के इस तरह के क्वेश्चन थे। अब देखिए आपने क्या अटेम्प्ट किया है ये आप ही जानते हो, या फिर कैसा पेपर आ रहा है। अभी तक मैंने जो पहले कल के भी पेपर और परसों के पेपर देखे तो बहुत टिपिकल तो नहीं लगा, अब लोगों जो उसके हिसाब से थोड़ा सा टिपिकल लगा हो कि जो क्लोज टेस्ट था काफी बड़ा था, आरसी बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो भाई जी अगर बड़ा दिया तो आपको टाइम भी तो भरपूर दिया था ना, ऐसा तो है नहीं कि टाइम कम था, ठीक है, 2.5 घंटा कुछ मायने रखता है टाइम का, ठीक है। और रीजनिंग भी बहुत टफ नहीं थी, मैथ भी बहुत टफ नहीं थी, तो कुल मिला के इस तरह के सीन थी। अब देखिए कुछ लोग तो कंप्यूटर के बारे में भी नहीं, मतलब सबसे सेक्शन के बारे में भी नहीं पता है कि उनको सेक्शनल कट ऑफ भी बनेगी इसकी। तो देखिए कुल मिला के जो मेरा अटेम्प्ट था 135, मैंने बताया जैसे कि रीजनिंग में मेरे 30 आउट ऑफ 30, मैथ में 25, ठीक है, तो ये हो गया आपके 55 हो गए। फिर उसके बाद आप मैंने बताया 24 क्वेश्चन मेरे जीएस में थे, ठीक है, तो 79 हो गया। फिर उसके बाद मैथ इंग्लिश में 48 और कंप्यूटर में 8 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, तो मेरे 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे पूरे आउट ऑफ 150।